अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रणाम, मेरा नाम सौरभ है। आप दुनियादारी देख रहे हैं। चाणक्य नीति की एक चर्चित पंक्ति है, राजान मनुर्वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। मतलब प्रजा राजा के व्यवहार का अनुसरण करती है, इसलिए जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। आपको इस प्राचीन उक्ति के दर्जनों अपवाद मिल जाएंगे। एक मिसाल हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में। ये मामला थाईलैंड का है। वहाँ राजशाही है, ऐसी राजशाही कि 21वीं सदी में भी वहाँ राजा का दरबार लगता है। उनके दरबारी, जिसमें आर्मी के टॉप अफसर भी शामिल हैं, राजा के चरणों में लूटते हैं। इस लोटने को लिटरल वाला लोटना समझिए। इन राजा की सबसे मशहूर चीज है उनकी रंगीनियां। ये इतने अय्याश हैं कि प्रजा कोरोना से मर रही थी और राजा अपनी प्रेमिकाओं के साथ एक विदेशी होटल में सेल्फ क्वारंटीन हो रहे थे। पिछले कई महीनों से ये जनाब अपनी एक प्रेमिका के चलते सुर्खियों में है। पहले वो प्रेमिका पूरे विधि विधान से राजकीय प्रेमिका बना दी गई। कुछ महीनों बाद उसे देश निकाला दे दिया गया और फिर खबर आई कि राजा ने उसे दोबारा अपना लिया है। लेटेस्ट खबर यह है कि उस प्रेमिका के जन्मदिन पर बतौर बर्थडे गिफ्ट राजा ने उसे रानी की पदवी दे दी है। आप सोच सकते हैं कि किसी के प्रेम संबंध पर खबर क्यों बननी चाहिए? जवाब है, जरूर बननी चाहिए, क्योंकि थाईलैंड की जनता अपने राजा की अय्याशी से त्रस्त है। वहां पिछले कई महीनों से राजतंत्र के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या है इस प्रदर्शन का कारण? क्या है थाईलैंड के राजा की कहानी? उनके प्रेम संबंधों में कुछ भी आपत्तिजनक है क्या? आज की दुनियादारी में सब बातें विस्तार से। कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 2016 से। इस रोज थाईलैंड के किंग पूमी पोन अब्दुल्यादेज, उनका निधन होता है। किंग पूमी पोन 70 साल से ज्यादा वक्त तक थाईलैंड के राजा रहे। उन्हें सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजाओं में गिना जाता है। सम्मानित हस्ती थे, जनता प्यार करती थी, हर घर दुकान में उनकी तस्वीर टंगी मिलती थी। उनका निधन हुआ तो अफसोस मनाया जनता ने, लेकिन गद्दियां शोक का इंतजार नहीं करती। राजतंत्र में गद्दी विरासत में राजा के वारिस को मिलती है, बेटे के पास जाती है अधिकतर। किंग पूमिपोन की 4 औलादें थी, बेटा सिर्फ एक, नाम महावजीरा लोंगकोर्न। ऐसे में शहजादे वजीरा लोंगकोर्न देश के नए राजा घोषित कर दिए गए, पर उनकी फाइनल ताजपोशी में अभी वक्त था और इसकी एक वजह थी। थाईलैंड में किसी राजा के मरने पर लंबा शोक चलता है। किंग पूमिपोन लंबे समय तक शासक रहे चाहते थे, इसलिए मातम की अवधि कुछ और लंबी खिंच गई और मातम के बीच राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। आखिरकार 2019 में जाकर ताजपोशी की फाइनल घड़ी आई। शाही ज्योतिषियों ने शुभ मुहूर्त निकाला, 4 मई 2019 का दिन शनिवार और वक्त सुबह के ठीक 10:09। इसी मुहूर्त में बैंकॉक के थ्रोन हॉल में खास भारत से मंगवाए गए जल से महावजीरा लोंगकोर्न को नहलाया गया, फिर शाही मुकुट पहनाया गया। और आपको पता है थाईलैंड के इस राजसी मुकुट में भी भारत का एक कनेक्शन है। इसमें जो हीरा जड़ा है वो भारत से गया है। बौद्ध धर्मावलंबी होने के चलते थाई राजशाही का भारत से और भी कनेक्शन है आध्यात्मिक। वहां के राजा को बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक की पदवी मिलती है। खैर, ताजपोशी की बात करते हैं। परंपरा के मुताबिक ताजपोशी के समय राजा के साथ रानी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। किंग वजीरा लोंगकोर्न की रानी थी क्वीन सुथी दा। क्वीन सुथी दा वो राजा की चौथी पत्नी थी, एक जमाने में फ्लाइट अटेंडेंट हुआ करती थी। बाद में राजा ने उन्हें अपनी निजी सुरक्षा टीम का डेप्टी हेड बनाया और फिर फॉर्मल राज्याभिषेक से कुछ रोज पहले उन्होंने आधिकारिक तौर पर सुथीदा के साथ शादी की, रानी का दर्जा दिया। इससे पहले कि उनकी तीन पत्नियों का क्या हुआ ये भी जान लीजिए। वजीरा लोंगकोर्न की पहली शादी हुई 1977 में जब वो 25 बरस के थे। पहली पत्नी रिश्ते में उनकी कजन लगती थी। शादी के बाद अफेयर चलते रहे, एक ही वक्त कई महिलाओं के साथ संबंध। 1993 में उन्होंने खूब जलील करके अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया और एक गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। ये गर्लफ्रेंड पेशे से एक एक्ट्रेस रही थी। वजीरा लोंगकोर्न के ऑलरेडी उनसे 5 बच्चे थे।
शादी के दो बरस बाद उनकी ये दूसरी पत्नी अमेरिका भाग गई। फिर 2001 में वज्रा लोंगकोर ने एक और गर्लफ्रेंड से शादी रचाई। ये 13 बरस चली शादी, फिर शादी टूटी और इसके बाद वज्रा लोंगकोर ने अपनी तीसरी पत्नी के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। अब उनकी ये तीसरी पत्नी कहाँ है कोई नहीं जानता। तो वज्रा लोंगकोर सुथिदा को अपनी चौथी पत्नी बनाते हैं और ताज धारण करते हैं। पत्नी सुथिदा को क्वीन की पदवी देते हैं, लेकिन अब भी कई महिलाओं के साथ उनके संबंध थे, जिसमें सबसे ऊपर नाम था सिनिनाथ वोंग वाजिरा पाकदी का। 1985 की पैदाइश सिनितात की, एक जमाने में नर्स थी। वज्रा लोंगकोर से अफेयर शुरू होने के बाद नर्सिंग पीछे छूट गई। फिर सिनितात ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली, विमान उड़ाना सीखा। वज्रा लोंगकोर ने सिनिनाथ को अपना बॉडीगार्ड बना लिया। फिर 2019 की शुरुआत में सिनिनाथ को मेजर जनरल की रैंक दे दी गई और राजा बनने के 2 महीने बाद किंग वज्रा लोंगकोर ने एक चौंकाने वाला काम किया। जी, उन्होंने अपनी टॉप गर्लफ्रेंड सिनिनाथ को रॉयल कॉन्सॉर्ट की पदवी दे दी। अब ये कौन सा पद होता है? देखिए, कॉन्सॉर्ट शब्द राजशाही के साथ जुड़ा है। इसका मतलब होता है गद्दी पर बैठे शासक की पत्नी या पति, जहां जो भी कंडीशन अप्लाई हो। लेकिन थाईलैंड में कॉन्सॉर्ट का मतलब होता है मिस्ट्रेस, मतलब पत्नी के अलावा कोई और पार्टनर। थाईलैंड में एक से ज्यादा पत्नियां रखने का चलन रहा है। वहां राजा अलग अलग प्रांतों के ताकतवर परिवारों के साथ रिश्ते मजबूत करने के बहाने कई पत्नियां और मिस्ट्रेसेस भी रखा करते थे। लेकिन 1932 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम लागू होने के बाद थाईलैंड में ये रवायत जैसे खत्म हो गई। मौजूदा राजा वज्रा लोंगकोर्न के पिता किंग पूमिपोन अपनी पत्नी क्वीन सिरकित के प्रति वफादार समझे जाते थे। ऐसे में जब जुलाई 2019 में वज्रा लोंगकोर्न ने धूमधाम से सिनिनाथ को रॉयल कॉन्सॉर्ट बनाया तो बड़ी थूथू हुई। एक बड़ी आपत्ति इस आयोजन के भद्दे तौर तरीकों से भी थी। जनता के पैसों से आलीशान आयोजन, जिसमें रेशम और हीरे जवाहरात बांटे गए। लोगों ने देखा कि सिनिनाथ राजा के चरणों में सर झुकाकर फर्श पर पड़ी हैं, दंडवत होकर राजा को प्रणाम कर रही हैं, राजा उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और दरबार के बाकी लोग भी जमीन पर साष्टांग दंडवत हैं। 21वीं सदी में किसी राजा का इतना मध्ययुगीन बर्ताव कितना भूंडा है। ये पावर का अश्लील चेहरा है। बहरहाल, सिनिनाथ शाही कॉन्सर्ट बना दी गई, कई राजकीय उपाधियां दे दी गई। शाही वेबसाइट पर सिनिनाथ का सजा धजा जीवन परिचय भी छापा गया। खूब सारी एक्शन फोटोज आई, कभी किसी फाइटर जेट में, कभी हवाई जहाज से छलांग लगाकर पैराशूटिंग करते हुए और कभी हाथ में असॉल्ट राइफल थामे। और जब इन तस्वीरों को आए 3 महीने बीत गए तो एक नई खबर आई थाईलैंड से ही। पता चला कि सिनिनाथ से उनकी तमाम शाही पदवियों को छीन लिया गया है। इस बारे में राजदरबार ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया, जिसमें लिखा था कि सिनिनाथ को गलत बर्ताव करने और मोनार्की से बेअदबी दिखाने की सजा दी गई। इस बयान में सिनिनाथ पर कई इल्जाम भी लगाए गए, मसलन वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, राजा और रानी के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, राजा के बदले फरमान जारी करने की कोशिश कर रही थी और सीनियर अधिकारियों की मुखालफत। बयान के एक अंश का तर्जुमा आप सुनिए। राजा को मालूम चला कि सिनिनाथ कृतज्ञ है, राजा द्वारा दी गई पदवियों और सहूलियतों का जरा भी उपकार नहीं मान रही। वो राजा पर मौजूदा रानी को हटाकर खुद को रानी बनाने का जोर डाल रही थी। ये सब हुआ अक्टूबर 2019 में। सिनिनाथ बड़े अपमान के साथ महल से निकाल दी गई, जेल में पटक दिया गया। तकरीबन 1 बरस तक उनकी कोई खबर नहीं आई। फिर आता है सितंबर 2020 का वक्त। इस महीने थाई रॉयल कोर्ट एक बयान जारी करता है। इसमें बताया जाता है कि सिनिनाथ को वापस राजा की सेवा में ले लिया गया है, ओहदे लौटा दिए गए हैं। क्या था इस मौके पर सरकारी बयान? सिनिनाथ अब फ्री ऑफ गिल्ट यानी गुनाह मुक्त हैं। अब से ये माना जाए कि शाही ओहदे और मिलिट्री रैंक उनसे कभी छीने ही नहीं गए थे। अब सोचिए, ये जो ऑन ऑफ तमाशा, ये कोई टीनेजर लव स्टोरी नहीं है, ये नौटंकी एक देश का सर्वोच्च शासक कर रहा है। सिनिनाथ वापस आ जाती है महल में और 2 महीने बाद फिर एक बड़ा स्कैंडल होता है। जी, कहानी में ट्विस्ट है। दिसंबर 2020 में सिनिनाथ की सैकड़ों तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो जाती हैं। इसमें 1500 से भी ज्यादा न्यूड और सेमी न्यूड सेल्फी हैं। माना गया कि ये सेल्फी सिनिनाथ ने अपने मोबाइल से वज्रा लोंगकोर्न को भेजी थी। किसी ने ये तस्वीरें सिनिनाथ के मोबाइल से चुराकर ऑनलाइन डाल दी। किसका हाथ था इसके पीछे? आशंका है कि इसके पीछे क्वीन सुथिदा का हाथ था। आपको याद है ना, क्वीन सुथिदा राजा की चौथी पत्नी, जो खुद भी लंबे समय तक राजा की गर्लफ्रेंड रही थी।
जानकारों के मुताबिक श्रीनाथ की महल में वापस एंट्री से क्वीन सुथिदा खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। शायद इसीलिए श्रीनाथ को पब्लिकली अपमानित करने की मंशा से उन्होंने ये फोटो लीक करवाई। दिलचस्प बात यह थी कि ये तस्वीरें थाई मोनार्की की आलोचना करने वाले एक्टिविस्ट को भेजी गई। मतलब लीक करने वाला चाहता था कि राजा की अय्याशी के प्रति लोगों का गुस्सा और भड़के। आप पूछ सकते हैं, राजा और उनकी टॉप गर्लफ्रेंड की ये कहानी हम आपको आज क्यों सुना रहे हैं? इसलिए कि एक बार फिर से एक अपडेट आया है। खबरें हैं कि 26 जनवरी को जब श्रीनाथ का जन्मदिन था, इस मौके पर किंग वज्रा लोंगकोर ने उन्हें एक स्पेशल तोहफा दिया। उन्हें अपनी सेकेंड क्वीन का नाम दिया, पदवी दी। अब आधिकारिक तौर पर थाई राजा की दो रानियां हैं और ये पहली बार है जब थाईलैंड में राजा की दो ऑफिशियल रानियां हैं। इस घटनाक्रम से लगता है कि राजा अपनी चौथी पत्नी का कहीं वही हश्र ना कर दें जो उनसे पहले की तीन पत्नियों के साथ हुआ। हो सकता है जल्द तलाक भी हो जाए। और भी क्या हो सकता है? थाईलैंड में रहने वाले नागरिक ये सोचते हैं और चिंता करते हैं। खबरें ये भी हैं कि राजा की बहन राजकुमारी सिरिंधोर ने इस फैसले का विरोध किया है। राजा से कहा है कि थाईलैंड में राजा एक समय में एक से अधिक रानी नहीं रख सकता। रपटें ऐसी भी हैं कि बहन की इस बात पर किंग इतना गुस्सा आ गए कि आक्रामक हो गए, बहन को पीटा और उसका पांव तोड़ दिया। राजा की बहन राजकुमारी सिरिंधोर की व्हीलचेयर पर एक तस्वीर भी सामने आई है। राजकुमारी सिरिंधोर जनता में लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें प्यार से प्रिंसेस एंजल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आम लोगों से जुड़ाव रखती हैं, उनकी भलाई के कामों में जुटी रहती हैं और मानवीय कार्यों के चलते यूनेस्को ने भी उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत में भी 2004 में उन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। थाईलैंड में कई लोग कहते हैं गद्दी की असली हकदार राजकुमारी सिरिंधोर है, लेकिन इस कहने का क्या करिएगा, पितृसत्ता भी तो हमारे समय की एक विभत्स सच्चाई है। मुल्क बदलते हैं, ये सत्ता नहीं बदलती। इतना सब बता दिया आपको, अब वापस किंग वज्रा लोंगकोर्न पर चलते हैं। हम आमतौर पर जजमेंटल होने से बचते हैं, किसी की निजी जिंदगी खासतौर पर उनकी लव स्टोरी डिस्कस करने के सख्त विरोध में रहते हैं। लेकिन वज्रा लोंगकोर्न का मसला अलग है। उनकी लव लाइफ उनकी गैर जिम्मेदार और अय्याश जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है और राजा की ये लाइफ स्टाइल सीधे सीधे थाईलैंड के नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी है। राजा बहुत कम ही पब्लिक लाइफ में नजर आते हैं, ज्यादातर वक्त जर्मनी में बीतता है। वहाँ काम कुछ नहीं करते, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से मजे काटते हैं। आप सोचिए, कोरोना के पीक पर वज्रा लोंगकोर ने जर्मनी में एक समूचा 4-स्टार होटल बुक किया, 100 नौकर, अपने हरम की 20 महिलाएं, उन सबको ले गए और सेल्फ क्वारंटीन हो गए। वज्रा लोंगकोर इन औरतों को अपनी सेक्स स्लेव कहते हैं। क्या किसी शासक को टैक्स पेयर्स के पैसों पर इस भौंडे भोग विलास की इजाजत मिलनी चाहिए? कतई नहीं। और इसीलिए थाईलैंड की जनता पिछले कई महीनों से राजशाही के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रही है। लोग अपनी रॉयल्टी और आर्मी के नेक्सस से त्रस्त हैं। और किस तरह से त्रस्त हैं? थाईलैंड की जनता को लगता है कि ये दोनों ही पावर सेंटर्स भैंस और उसकी पीठ पर बैठे कौए जैसे हैं। दोनों एक दूसरे से सेटलमेंट करके अपने अपने हित साधते हैं, एक दूसरे से वैधता पाते हैं। राज परिवार और आर्मी के खर्चे पारदर्शी नहीं हैं और जनता को उनसे सवाल पूछने का हक नहीं है। दुनियादारी के एक एपिसोड में हमने थाईलैंड के इस मसले पर विस्तार से बात की थी। उस एपिसोड का लिंक भी अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आपको दुनियादारी के इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे देखिए और राजा की अय्याशी के संदर्भ से जोड़कर थाईलैंड के हालात की कल्पना करिए। एक राजा जो केवल अपनी अय्याशी के लिए चर्चा बटोरता हो, उसे गद्दी से उखाड़ फेंकना राष्ट्रहित है, ऐसा थाईलैंड के नागरिकों को लगता है। वैसे एक बात और जान लीजिए, अगर थाईलैंड के शाही सिस्टम को हिंदी समझ आती और वो हमारा ये एपिसोड देख रहे होते तो मैं कभी थाईलैंड नहीं जा सकता था। वैसे भी नहीं गया हूँ। ये थाईलैंड सुनते ही आपके चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसके हमारे दोस्तों के बीच भी पर्याप्त संदर्भ मौजूद हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं थाईलैंड क्यों नहीं जा सकता था दुनियादारी का ये एपिसोड करने के बाद? क्योंकि वहाँ राजशाही की आलोचना करने वालों को 15 साल तक की कैद देने का कानून है, फिर चाहे आलोचना करने वाला देश का हो या विदेश का। तो जैसा भी है भैया, हमारा लोकतंत्र भारत में अच्छा है, बुरा है, कमियां हैं, हम सुधार रहे हैं, ठीक है, बाकियों के मुकाबले तो काफ़ी ठीक है। क्या सबसे अच्छा है? ये दावा नहीं करते, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, अभी बहुत चीज़ें सीखनी बाकी हैं। आज का बड़ी खबर यहीं थमता है, सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी ब्रिटेन से है। यहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों ने 100 फीट की सुरंग खोद दी। ये प्रोटेस्टर्स एक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल लाइन का विरोध कर रहे हैं। ये रेल लाइन HS2 लिमिटेड नाम की कंपनी बना रही है।
इस कंपनी के नाम पर इन प्रदर्शनकारियों को HS2 रिबेलियन का नाम मिला है। इनका कहना है रेल लाइन बनती है तो एक हरा भरा इलाका नष्ट हो जाएगा, पेड़ कट जाएंगे और इसलिए सुरंग खोद दी कि जब तक रेल प्रोजेक्ट नहीं रुकता तब तक हम सुरंग में रहेंगे। दूसरी सुर्खी इटली से। 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जसेपी कॉन्टे द्वारा इस्तीफा दिए जाने से एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया। पिछले कुछ हफ्तों से कॉन्टे और पूर्व प्रधानमंत्री मटेओ रेंजी के बीच मतभेद चल रहा था। कोरोना का आर्थिक असर था ही, इटली को EU से पैकेज मिलने वाला था, ये कैसे खर्च किया जाए इसको लेकर रेंजी की असहमति थी और इसी के चलते उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन से समर्थन वापस लिया। अब जब नंबर ही नहीं है संसद में तो काहे का प्रधानमंत्री, तो कॉन्टे ने इस्तीफा दे दिया। आशंका है कि इस पावर स्ट्रगल के चलते इकोनॉमिक रिकवरी की इटली की कोशिशें प्रभावित हो सकती हैं। तीसरी सुर्खी साउथ कोरिया से है। यहां राजधानी सोल के मेयर थे पार्क वोन सून। जुलाई 2020 में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके एक रोज पहले उनकी सेक्रेटरी ने उन पर यौन शोषण का केस दर्ज किया था। अब इस मामले में देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक मेयर पर लगे इल्जाम सही थे, उन्होंने 4 बरस तक अपनी सेक्रेटरी का उत्पीड़न किया। मेयर पार्क साउथ कोरिया के दूसरे सबसे ताकतवर लीडर माने जाते थे। अनुमान था कि वो प्रधानमंत्री के पद की रेस में भी हैं। उनकी आत्महत्या के बाद कई लोग सेक्रेटरी पर बिफरे थे, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई कि उस महिला के लगाए आरोप सही थे। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।